वो संतान है जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, जिन्होंने बचपन में इस जिंदगी को जिया है। बारिश कम भी हुई हो परिवार को जितनी जरूरत हो उससे भी कम फसल हुई हो, उसके बावजूद भी फसल का ढेर अगर खेत में तैयार पड़ा है तो चोर खाए, मोर खाए, आया मेहमान खाए, जब बच जाए तो खेरू खाए। ये संस्कार जिन परिवारों के हैं, खुद के पसीने से पैदा की हुई फसल चोर उठाने ले जाए गुस्सा नहीं, पशु पंखी आकर आ जाए तो भी संतोष, कोई अतिथि आ जाए झोली है भर दे और फिर कुछ बचा खुचा है तो बच्चों के लिए घर ले जाए। पेट काट करके भी किसी का पेट भरने में कभी कमी महसूस नहीं करने दी, उनके लिए 500 करोड़ कुछ नहीं होता है। ये देने के संस्कार लेकर के आए हैं, ये जब तक देंगे नहीं रात को सो पाएंगे नहीं। और मैं इन परिवारों के बीच में पला बड़ा हूं जी, मैं और जगह पे जाता हूं तो मुझे कभी कभी फील होता है कि लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिया है। हर किसी की नजर में मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, लेकिन एक अगर कोई अपवाद है तो मेरा सूरत है। मैं जब भी मिला हूं वही प्यार, वही अपनापन, प्रधानमंत्री वाला कोई टैग कहीं नजर नहीं आता है। ये जो परिवार भाव में अनुभव करता हूं, आपको हैरानी होगी, बाहर वालों को भी शायद हैरानी होगी, ये सब धनी परिवार है, अरबों खरबों में खेलने वाले लोग हैं। जब से मेरा सूरत आना तय हुआ तो जिन जिन परिवारों से मेरा बड़ा निकट नाता रहा है, अब तो अरबों खरबोंपति हो गए हैं, कभी उनकी मां के हाथ से बाजरे की रोटी खाई है, कभी खिचड़ी खाई है, मुझे फोन क्या आया, क्या रात को सर्किट हाउस में आप रुकने वाले हैं तो बाजरे की रोटी भेज दूं क्या, खिचड़ी भेज दूं क्या। आज सुबह भी मुझे जो नाश्ता आया, एक परिवार ने पुराने मुझे वो अपने सौराष्ट्र में जो मोटी भाकरी बनाते हैं ना तो उनको याद था, सुबह सुबह भेज दी, उनको पता है प्रधानमंत्री को क्या खाना क्या नहीं खाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये परिवार भाव है जिसकी हर परिवार की मां ने, जिन्होंने कभी न कभी मेरी चिंता की है, वो उसी प्यार से मेरी चिंता में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं जीवन का इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। पद से इंसान बड़ा नहीं होता है, ये प्यार ही है जो बड़प्पन को अपने सीने से सिमट करके रख देता है। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है मैं आपका आभारी हूं। आज एक अस्पताल का लोकार्पण हो रहा है, आधुनिक अस्पताल है। जब मैं यहां था तो कहता था
कि जिसका शिलान्यास मैं करूंगा उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। तो लोगों को लगता था ये बड़ा अहंकारी है, ये अहंकार नहीं था, ये मेरे मन में एक कमिटमेंट है कि ये शिलान्यास करके पत्थर गाड़ करके तख्तियां लगाने की फैशन समाप्त होनी चाहिए। जो चीज शुरू करे वो चीज परिपूर्ण होनी चाहिए, अगर परिपूर्ण नहीं होने वाली है तो शुरू नहीं करना चाहिए। यहां आप सबको जितनी खुशी होती है मुझे उससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि विजयादशमी का वो दिन था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के नाते घोषित कर दिया था उम्मीदवार के रूप में। मैं देश भर में दौड़ रहा था उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी विजयादशमी और मेरे नवरात्रि के उपवास पूर्ण हुए थे। मैंने तय किया कि नहीं, मैं सूरत तो जाऊंगा ही, कितनी ही कठिनाई क्यों ना, और मैं आया था। और उस दिन ये लालजी बादशाह वो मेरे बगल में तस्वीर निकालना चाहते थे, तो भूमि पूजन के लिए वो फावड़ा चलाना था, तो मैंने बादशाह को कहा 50 करोड़ दोगे तो मैं कर दे दूंगा, नहीं तो नहीं करने दूंगा। इस अधिकार भाव से मैंने आप लोगों के बीच काम किया है और वो मान गए थे। इतने अधिकार भाव से आप लोगों के बीच मैंने काम किया और तब ये अस्पताल, जब मैं अपने सामने इतना भव्य रूप देखता हूं, मेरे लिए इससे बड़ा कोई संतोष नहीं हो सकता है। और इस काम को इतने बढ़िया ढंग से परिपूर्ण करने के लिए पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा था कि दाता श्री के धन से यह अस्पताल नहीं बना है, ये अस्पताल परिवार भाव से बसाया बहाया गया परिश्रम से बना हुआ है। पैसों से ज्यादा मूल्यवान परिश्रम होता है, पसीना होता है, और यहां सब लोग हैं, वहां जो बैठे हुए सब लोग हैं उन्होंने सिर्फ पैसे बहाए नहीं है, अपना पसीना बहाया है, पैसों पर पसीने का अभिषेक किया है। और इसलिए इस अस्पताल में जो भी आएगा, सामान्य रूप से मैं डायमंड की फैक्ट्री का उद्घाटन करता तो मैं कह देता कि आपकी फैक्ट्री फले फूले, आपका कारोबार बढ़े, आप टेक्सटाइल का भी इंडस्ट्री करते तो मैं शुभकामना देता, लेकिन आज मैं श्राप देता हूं, शुभकामना नहीं देता हूं। मैं चाहूंगा कि किसी को भी अस्पताल में आने की जरूरत न पड़े। और एक बार आना पड़ा तो दोबारा कभी आने की जरूरत न पड़े, ऐसा मजबूत इंसान बनकर के यहां से जाए, ये भी साथ साथ शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश में डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों की कमी, महंगी दवाइयां, आज किसी मध्यम वर्ग के परिवार में अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो उस परिवार का पूरा अर्थकारण समाप्त हो जाता है। मकान लेना है नहीं ले पाता, बेटी की शादी करवानी है नहीं करवा पाता, एक इंसान बीमार हो जाए। और ऐसे समय सरकार की जिम्मेवारी होती है कि हर किसी को आरोग्य सेवा उपलब्ध हो, हर किसी को एक सीमित खर्च से आरोग्य सेवा का लाभ मिलना चाहिए, त्वरित मिलना चाहिए। भारत सरकार ने
अभी हेल्थ पॉलिसी घोषित की है। अटल जी की सरकार के बाद 15 साल के बाद इस सरकार ने हेल्थ पॉलिसी लाई है। बीच में बहुत काम रह गए जो मुझे करने पड़ रहे हैं। अब दवाइयां, मैं गुजरात में था तो आपको मालूम है बहुत लोगों को मैं नाराज करता था। अब दिल्ली में गया हूं तो देश में भी बहुत लोगों को नाराज करता रहता हूं। हर दिन एक काम करता ऐसा हूं कि कोई न कोई तो मेरे से नाराज हो ही जाता है। अब जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जिस इंजेक्शन के कभी 1200 रुपया लेते थे, जिन गोली की कभी कभी 350-400 रुपया लेते थे, हमने सबको बुलाया, भाई क्या कर रहे हो, कितनी लागत होती है, क्या खर्चा होता है। और नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपये में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपये में मिलती थी वो 30 रुपये में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले, ये काम किया है। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज हो गए इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज हार्ट पेशेंट, हर परिवार में चिंता रहती है हार्ट की, हर घर में भोजन के टेबल पर खाने की चर्चा होती है, वजन कम करो, कम खाओ, चर्चा होती है, करते नहीं है कोई, लेकिन डाइनिंग टेबल पर चर्चा जरूर होती है। हर किसी को हार्ट अटैक की चिंता रहती है और हार्ट में स्टेंट लगवाना, अब हम लोग जानकार तो है नहीं, डॉक्टर कहता है ये लगवाओगे तो 30-40 हजार रुपया होगा, पेशेंट पूछता है जिंदगी का क्या होगा, तो कहता है ये लगवाओगे तो 4-5 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दूसरा बताता है कि ये लगवाओगे इंपोर्टेड है तो 1.5 लाख रुपया लगता है, ये लगवा दिया तो फिर जीवन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40 हजार खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी क्यों ना गुजारू, 1.5 लाख वाला ले लेता है। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। साल भर उनसे चर्चा चलती रही, आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40 हजार रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल हो। कभी कभार तो ये किसी ऐसे एक सामान्य व्यक्ति को मुसीबत होती है, ज्ञान होता नहीं, और कुछ न कुछ लोग, अब इसके कारण समाज का एक तबका है, बड़ा ताकतवर तबका है, उसकी मेरे प्रति नाराजगी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आरोग्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो, उस दिशा में सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। अभी जो विजय भाई बता रहे थे, हम हर अस्पताल में सस्ती दवाई के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बहुत सस्ते में, अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चे ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं, डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, तभी आदमी गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। जिस प्रकार से आरोग्य की सेवाओं में बीमार होने के बाद की चिंता है, उससे पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की भी उतनी ही चिंता जरूरी है। मेरा स्वच्छता अभियान वो सीधा सीधा आरोग्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया में सारे सर्वे कहते हैं कि बच्चे अगर हाथ साबुन से धोए बिना खाना खाते हैं तो दुनिया में करोड़ों बच्चे इस एक कारण से
मौत के शरण हो जाते हैं। क्या हम आदत नहीं डाल सकते? आरोग्य की दृष्टि से स्वच्छता, सूरत के लोगों को स्वच्छता के पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सूरत में जब महामारी आई उसके बाद सूरत ने स्वच्छता को अपना बना लिया, सूरत का स्वभाव बन गया है स्वच्छता, देश के लिए प्रेरणा है। मैं कल ये रोड शो कर रहा था, मेरे साथ दिल्ली से जो अफसर आए थे वो रोड शो नहीं दे रहे थे, सफाई देख रहे थे। बोले इतनी सफाई होती है, उनके दिमाग में सफाई भर गई। मैंने कहा आप जहां जाओगे जरा बताना सबको, ये सूरत ने स्वभाव बना दिया है। स्वच्छता अगर भारत का स्वभाव बने तो हमारे अरबों खरबों रुपये बीमारी के पीछे खर्च हो रहे बंद हो जाएंगे। हमारे गरीब एक बार बीमार हो जाता है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बीमार हो जाए तो सिर्फ वो इंसान बीमार नहीं होता, उसके पूरे परिवार 3 दिन के लिए भूखा रह जाता है, घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है। और इसलिए स्वच्छता, मैं योग को लेकर के पूरे विश्व में आंदोलन चला रहा हूं। 21 जून को सूरत भी शानदार योग का कार्यक्रम करके दिखाएं। वेलनेस के लिए योग, शरीर स्वास्थ्य के लिए आज जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। हमने इंद्रधनुष योजना के तहत देश भर में उन माताओं को बालकों को खोज रहे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ, टीकाकरण का अभियान चलाते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे माताएं बहनों को खोजा है जिन्होंने टीकाकरण गांव में हो रहा था लेकिन उन्होंने नहीं लगवाया। सरकार खोज खोज करके लोगों की सेवा करने के लिए बीड़ा उठाया है, लेकिन ये सारों में जन आंदोलन आवश्यक होता है, जन सहकार आवश्यक होता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं देश आजाद होने के बाद एक ऐसा माहौल बन गया सब कुछ सरकार करेगी, लेकिन हमारा देश उसका चरित्र अलग है। हमारा देश सरकारों से न चला है न बना है, हमारा देश न राजाओं से चला है न राजाओं ने बनाया है, हमारा देश न नेताओं से चला है न नेताओं ने बनाया है, हमारा देश चला है जनशक्ति के भरोसे, जन सेवा भाव के भरोसे, जिसके जन जन में सेवा परमो धर्म ये उनकी प्रकृति रही है। आप मुझे बताइए, गांवों गांव आपको धर्मशालाएं दिखती है, हर तीर्थ क्षेत्र के बाहर हजारों लोग रह सके इतनी धर्मशालाएं, दुनिया की कितनी बड़ी होटल से भी ज्यादा रूम होते हैं धर्मशालाओं के, 2-2 हजार कमरों के धर्मशालाएं होती है हमारे देश में। किसने बनाई? सरकारों ने नहीं बनाई, जनता जनार्दन ने बनाई है। गांव गांव पानी नहीं होते थे, कुएं होते थे, बावड़ी होती थी, कौन बताना था? सरकारें नहीं बनाती थी, जनता जनार्दन बनाती थी। गौशालाएं क्या सरकार बना रही थी? जनता जनार्दन बनाती थी। पुस्तकालय सरकार बना रही थी? जनता जनार्दन बनाती थी। पानी की परब कौन बनाता था? जनता जनार्दन बनाती थी। हमारे देश का यह मूल चरित्र रहा है, समाज जीवन के सारे कामों को करना समाज की सामूहिक शक्ति का स्वभाव रहा था, लेकिन आजादी के बाद धीरे 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 उसमें कमी आने लगी। फिर से एक बार दोबारा वो माहौल बना है, हर किसी को लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा, मैं सामूहिक रूप से कुछ करूंगा, समाज की भलाई के लिए कुछ करूंगा, उस दिशा में आज काम हो रहा है। मैं यहां सूरत में बैठे हुए खास करके सौराष्ट्र के जितने लोग हैं, छोटे से छोटा रत्न कलाकार भी, उसके दिल में एक चीज मैंने हमेशा देखी है, अपने गांव में कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए वो कुछ न कुछ देता रहता है। ये छोटी बात नहीं है जी, छोटा रत्न कलाकार है, कोई ज्यादा इनकम नहीं है, बड़ी मुश्किल से महीना निकालता है, लेकिन खुद के गांव में कुछ होता है तो मैं सूरत रहता हूं, गांव वाले कहते हैं भाई जरा तुम स्कूल में इतना कर दो, गांव में इतना कर दो, वो रत्न कलाकार कष्ट झेल करके भी कर देता है।
यहां बैठे हुए हर प्रमुख लोगों ने अपने गांव में उत्तम से उत्तम काम किए हैं, कुछ न कुछ ऐसा किया है, अपने मां बाप के नाम पे किया है, अपने परिवारजनों के नाम पर किया है, कुछ न कुछ किया है, गांव के विकास के अंदर योगदान दिया है और आज भी गांव के साथ वैसे का वैसा नाता रखा है। दिवाली के दिन में अगर गुजरात सौराष्ट्र जाना है तो बस में टिकट नहीं मिलती है। ये जो लगाव है ये समाज का उत्तम लक्षण है और मैं इस चाहूंगा हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी ये बना रहे। पुरानी पीढ़ी के लोग रहे तब तक चले, ऐसा नहीं, आने वाली पीढ़ियों में भी बना रहे, ये पूरे गुजरात की अमानत बनेगी। मैं फिर एक बार आज इस अस्पताल के उद्घाटन समारोह के समय आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका आभारी हूं। और जैसा मथुरदास कह रहे थे, यहां से ब्यारा जा रहा हूं वहां भी पानी का कार्यक्रम करने जा रहा हूं, बोटाद जा रहा हूं वहां भी पानी का कार्यक्रम कर रहा हूं। गुजरात ने पानी को ही अपना एक बहुत बड़ा ताकत बना दिया है और उसी ताकत से गुजरात आगे बढ़ रहा है और बढ़ के रहेगा, इसी एक विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जुलाई महीने में मैं इजराइल जा रहा हूं, आप लोग में से हर किसी का इजराइल से नाता है, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो इजराइल जा रहा हूं और डायमंड का कारोबार और इजराइल के साथ सीधा सीधा नाता है और इसलिए वहां मैं आपका प्रतिनिधि बनकर के भी जा रहा हूं, यह बात आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।